और बहुत लोग ये पूछते हैं कि सैलरी कितना मिलती है अभी ट्रेनिंग में, अभी कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं इंजीनियर, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप अपना सैलरी दिखाइए। बिल्कुल दिखाऊंगा दोस्तों, सैलरी स्लिप के साथ दिखाऊंगा। बहुत लोग अगर आने वाले दिन में ट्रैक मशीन में जूनियर इंजीनियर बनेंगे तो हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग 90% चांस है कि यहीं पर होगी। काफी अच्छा खासा पैसा अर्निंग की जा सकती है आजकल सोशल मीडिया से। वीडियो क्यों बनाते हो, बकते रहते हो फालतू में, ऐसे वैसे क्या फायदा होता है वीडियो बनाने से, कितना पैसा मिल जाता है तुम्हें, इतना क्या होने पर पैसा मिलता है, पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं बहुत लोग ये जानना चाहेंगे गूगल एडसेंस अकाउंट का क्या होता है। दोस्तों जब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 हो जाता है। दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता है, प्लस में बहुत सारे दोस्त ये पूछते रहते हैं कि तुम यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाते हो। ठीक है, बहुत तो नेगेटिव, कोई तो नॉर्मली पूछता है, कोई पूछता है तुम वीडियो क्यों बनाते हो, बकते रहते हो फालतू में, ऐसे वैसे क्या फायदा होता है वीडियो बनाने से, कितना पैसा मिल जाता है तुम्हें, ऐसे पूछते हैं। तो उन लोगों को दोस्तों ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए। आज वो जान जाएंगे कि YouTube पर पैसा कैसे मिलता है और कितनी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि YouTube आपके ऊपर पैसा बरसा देगा, हम वीडियो डाल दिए तो, ऐसा नहीं है। वैसा होता तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि YouTube पर वीडियो डालते रहते हैं, आज लखपति करोड़पति होते। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आज क्या है, कैसे है, मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ, कितना क्या होने पर पैसा मिलता है, पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट बात की मैं पैसे के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। हो सकता है भविष्य में आने लगे, काफ़ी ज़्यादा पैसे आने लगे, बहुत आने लगे पैसे, आता है YouTube से, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। कितना आता है दोस्तों अभी मेरा, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। ठीक है, पूछते हैं बहुत लोग कि इतना पैसा आता है, इसलिए बताना जरूरी है। और हमारा सैलरी कितना आता है जूनियर इंजीनियर का, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि देखिए, दोनों चीज़ आप पूछते हैं कि इंजीनियर बनेंगे तो सैलरी कितना है और यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो तुम, ऐसे पूछते हैं बहुत लोग। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, YouTube पर पैसे कमाने के लिए सिर्फ वीडियो डाल दिए पैसा आना स्टार्ट नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि दोस्तों उसका क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा, मतलब जैसे कि पूरा चैनल पे हमारा वीडियो मान लीजिए 200 पड़ा है, तो 200 वीडियो मिला के हमारा 4000 घंटे का व्यू आना चाहिए, यानी कि टोटल जो 4000 घंटा पूरना चाहिए, तब जाके पैसा जो है चैनल क्या है कि मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है उसमें $1, $2, $3, $4 इस टाइप से पैसा बनना स्टार्ट होता है। दोस्तों जब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि वो पैसा वहाँ पर क्या होता है कि फिर अकाउंट मांगता है। ठीक है, गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट मांगता है, जब वो आप डाल देते हैं तो आपका वो पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो लेकिन $100 होना चाहिए एक्चुअली में। बहुत लोग ये जानना चाहेंगे गूगल एडसेंस अकाउंट का क्या होता है। तो गूगल एडसेंस अकाउंट दोस्तों आपका, जितना भी आप ऑनलाइन कोई भी आदमी पैसे कमाता है, कोई वेबसाइट से कमाता है या यूट्यूब से कमाता है, फेसबुक से कमाता है, तो वो पैसे को क्या है कि गूगल एडसेंस अकाउंट में वो इकट्ठा होता है। ठीक है, उसमें जो आपका फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक अकाउंट को अटैच करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, यूट्यूब है तो यूट्यूब को ऐड करना पड़ता है आपका, और भी मान लीजिए कोई ऑनलाइन साइट वाइट है आपका तो उसको ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो आपका जितने लोग आपके वीडियो को देखेंगे, जितने लोग आपके साइट पे विजिट करेंगे, उतना पैसा आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में बनेगा। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर जो आप पब्लिसिटी अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, आपको वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचने लगता है, तब काफ़ी अच्छे जो मतलब काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्निंग की जा सकती है आजकल सोशल मीडिया से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम वीडियो बना के डाल रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है। अभी दोस्तों मैं सच्चाई बताना चाहूँगा तो 1 रुपया भी YouTube से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कितना पैसा आता है, तो 1 रुपया भी नहीं आता है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आ सकता है दोस्तों 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद आना स्टार्ट हो सकता है, थोड़ी बहुत आ सकती है आप लोगों की अगर कृपा रही तो। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से हमको प्यार दुलार देते रहेंगे तो पैसा आता आएगा आने वाले दिन में, ऐसा नहीं है। लेकिन पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें जो वीडियो देना रहेगा वो देते रहेंगे, लोगों का हेल्प होते रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम लोग भी जब आप लोग जैसा थे, जिस समय तैयारी करते थे, बहुत सारी चीज़ जानने की जिज्ञासा रहती थी, कोई बताने वाला था नहीं, तो लोग क्या करते थे, पहले तो YouTube भी नहीं था उतना कि सर्च मार ली आ गया उस समय, अब तो जियो आ गया है, 5G आ गया है। ठीक है, 5G आने वाला है, 4G आ चुका है, तो आप कोई भी चीज़ सर्च मारते हैं तो तुरंत आ जाता है, पहले ये सब कुछ नहीं था। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा ये रीज़न है। ठीक है, और दोस्तों अगर मान लीजिए आने वाला दिन में पैसे आने लगे, तो जिस चीज़ से पैसे आने लगते हैं उस चीज़ से तो आपको पता ही है कि मोटिवेशन मिलता है, और हमें मन करेगा कि और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं। तो ये होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा पैसा, बहुत को ये रटा रहता है तुम्हारा पैसा कितना आता है, क्यों बनाते हो वीडियो, पैसे के लिए बनाते हो वीडियो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जानकारी देने के लिए वीडियो बनाता हूँ, अगर जी
पैसे के लिए भी नहीं बनाते हो वीडियो, अगर जो पैसा आता है वीडियो से तो आप भी बना के डालो, आएगा देखो कितना पैसा आता है, पता चल जाएगा। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उसके लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये मामला है। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि सैलरी कितना मिलती है अभी ट्रेनिंग में। अभी दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम अभी हम कहाँ हैं, IRTMTC इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर प्रयागराज में हूँ। अभी मैं वही हॉस्टल है दोस्तों, उसी का हॉस्टल में देखिए इसी से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, आप देख सकते हैं। बहुत लोग आने वाले दिन में ट्रैक मशीन में जूनियर इंजीनियर बनेंगे, तो हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग 90% चांस है कि यहीं पे होगी, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में अभी यहीं पे और जगह बन रहा है बहुत सारी जगह पर, लेकिन सबसे पहले यहीं पे बना था पूरे ऑल इंडिया में। तो दोस्तों जो ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलता है दोस्तों, वो बेसिक प्लस डी ए मिलता है ओनली। तो जेई का जो अभी बेसिक है लेवल 6 के अनुसार 35,400 रुपये है, और प्लस आपका अभी डीए मिलेगा। डीए अभी जनवरी में 3-4% और बढ़ेगा, पहले 38% था दिसंबर 2022 तक, अब 3-4% और बढ़ेगा, तो हो सकता है 42 या 41% होगा। तो दोस्तों अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो आपका आपका जो है बेसिक प्लस डीए मिला के 48,852 रुपये हो जाता है लगभग। तो दोस्तों बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप अपना सैलरी दिखाइए, बिल्कुल दिखाऊंगा दोस्तों, सैलरी स्लिप के साथ दिखाऊंगा। अगर हमारी सैलरी क्या है कि अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, इसके बाद दोस्तों अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है 2 जनवरी से, और प्लस में आने वाला दिन में दोस्तों क्या है कि सैलरी स्लिप मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो सैलरी स्लिप आ जाएगा दोस्तों, तो सैलरी स्लिप के साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि सैलरी एक्चुअली में कितना होता है जेई का भी। लेकिन मेरे को पता है दोस्तों कि 48,852 रुपये ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है दिसंबर 2022 के अनुसार। मैं बहुत सारे वीडियो में ये बता चुका हूँ, मेरा आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग तैयारी से रिलेटेड पूछते रहते हैं कि ज़्यादा सोचते हैं बहुत कोई कैसे करें क्या करें। दोस्तों आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सबसे मेन चीज़ है कि आपको ज़्यादा दिमाग भटकाना नहीं है, सोचना नहीं है ज़्यादा कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं इंजीनियर, कैसे पढ़े क्या पढ़े। दोस्तों आपके जो जो भी किताब है आपके पास, आर.एस. कुर्मी का है, आर.के. जैन का है, ठीक है, आपके पास जे.के. गुप्ता का है, कोई भी किताब है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जो भी सिलेबस है वो सिलेबस जो है रेलवे का, जूनियर इंजीनियर का, आपका ननटेक का जो सिलेबस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जी.के. है, उसको क्या है कि पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप जहाँ से भी मिलता है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये बेवकूफ़ी है ढूंढना कि कौन किताब अच्छा है कौन किताब क्या है, सभी किताबें अच्छी है, बस उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बुक को आप कम से कम 2-3 बार पढ़िए, इसके बाद दूसरे तरफ दूसरे बुक के ऊपर बढ़िए। आपके जो है यूथ पब्लिकेशन का भी बुक अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म का भी काफ़ी अच्छी बुक आती है। फिर मैथ में देखिए तो मैथ यूथ पब्लिकेशन का तो सारा बुक आता है आपका, इसका भी आता है, प्लेटफॉर्म का भी आता है। फिर आपका राकेश यादव सर का मैथ फॉलो कर सकते हैं, गगन प्रताप सर का फॉलो कर सकते हैं आप, फिर यूथ पब्लिकेशन का है उसका भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जान लीजिए दोस्तों कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा आप जितना सोचिएगा उतना आपका दिमाग खराब होगा। कोई भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है कि हमको ये बनना है वो बनना है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत। आप अगर पढ़ने के लिए सोचे तो तुरंत उठ के पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना ही नहीं कि सो रहे हैं सोच रहे हैं कि हमको ये बनना है वो बनना है ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं बस सोच रहे हैं। तो सोचने से आपका केवल दिमाग खराब होगा, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग आएगी। इसीलिए आपको तुरंत उठना है और किताब उठाना है और पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो काम आपको करना है उसके लिए सिर्फ काम भर सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। ज़्यादा सोचिएगा दिमाग खराब होगा, तुरंत उसको करना है, मेरा कहना ये। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा क्या है कि बहुत सारे लोगों का मैं व्हाट्सएप मैसेज में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी ट्रेनिंग में थोड़ा सा कम टाइम मिल पा रहा है। दिन भर क्लासें रहती है, 4-5 क्लासें रहती है, जिसके चलते टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं शाम के समय में थोड़ा कोशिश करूंगा कि सभी का जो मैसेज है उसका जवाब दूं। प्लस में दोस्तों वीडियो भी कभी लेट हो सकता है आने में, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं सभी जो आपको जो भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए मैं वीडियो लाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों एक दिन मैं क्या करूँगा, आपको जो ये पूरा ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर का, जो प्रयागराज का पूरा ग्राउंड है, पूरा शेयर कराऊँगा आपको, सभी से मिलवाऊँगा कौन क्या है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल पर प्यार दिखाते रहिए, हमारे ऊपर दिखाते रहिए। दोस्तों अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।